Next is the colloidal state. The word colloid means glutinaceous or resembling glue and was first used for solution of certain substances such as protein, starch, and gums, which do not diffuse through the most of the membranes. Substances which diffuse readily through membrane were called crystalloids. और ये प्रॉपर्टी जो है क्लोइडल सॉल्यूशन की बेस कर रही होती है साइज ऑफ द पार्टिकल पे, ठीक है. ऑन द अदर हैंड द सॉल्वेंट और कंटिन्यूस डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम हम कहते हैं सॉल्यूशन को और डिस्पर्स फेस हम कहते हैं सॉल्वेंट को, हैज नथिंग टू डू विद इट. मतलब सॉल्यूशन का इससे कोई लिंक नहीं होता, सब डिपेंड कर रहा होता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है उस पर. क्लोइडल पार्टिकल में भी सिंगल आइन मॉलिक्यूल और एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल. Next, there are certain classification of colloidal solutions. First one is true solution, particles in a solution. When dissolved, they disintegrate into individual ions. कि कब हम differentiate करते हैं कि एक solution true solution है या वो colloidal particles है या वो suspension है. तो हम कब कहते हैं कि जो solution है वो true है, कि जब हम उसमें सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है इंडिविजुअल आयन और मॉलिक्यूल में विच आर लेस देन 1 नैनोमीटर इन साइज इन डायमीटर. और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होते और ये कभी सेटल आउट नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते सॉल्यूशन में, तो उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होता है, इन दिस केस जो साइज है पार्टिकल्स का वो 1 to 100 नैनोमीटर होता है और समटाइम कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 500 नैनोमीटर भी होता है. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी. ये दीज पार्टिकल डू नॉट सेटल आउट ऑफ द सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली बट दे कैन सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय वेरियस मेथड्स. और ये सेटल आउट नहीं होते इमीडिएटली और हम इनको सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज सस्पेंशन. दीज आर बिगर देन कोलाइडल पार्टिकल एंड दे अलोंग विद द सॉल्वेंट मेक सॉल्यूशन सस्पेंशन. दीज पार्टिकल सेटल डाउन स्पॉन्टेनियसली एंड कैन बी सीन विद द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इवन विद द नेकेड आई. अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल इन साइज हैं जिनको हम नहीं देख सकते इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और वो कभी सेटल डाउन नहीं होते सॉल्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट इज कोलाइडल पार्टिकल. इनका साइज इन बिटवीन होता है बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन और इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन आफ्टर दे टेक टाइम टू सेटल डाउन इन अ सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन. दे आर इमीडिएटली सस्पेंडेड इन टू द सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व हो जाते हैं और इनको इवन नेकेड आई से भी देखा जा सकता है. आपकी बुक में एट पेज नंबर 25 फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल में टेबल नंबर 2 to 3 में डायमीटर ऑफ सम पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो उस पर आप डिटर्मिन कर सकते हैं किसको आप इजीली देख सकते हो और डिसॉल्व कर सकते हो सॉल्यूशन में. नेक्स्ट देयर इज सम प्रॉपर्टीज. The term colligative means tied together and colligative properties are those which are simultaneously bestowed upon a solvent by its content of solute particles. इसका मतलब ये है कि कुछ solvent जो हैं वो अपने solution में कुछ properties imposed करते हैं, कि मतलब एक solution है और हमने उसमें solvent add किया तो solution की properties में difference आता है, उसका pressure increase करता है, boiling point raise करता है, freezing point depress और vapor pressure भी decrease करता है. As the particle in colloidal solution are much bigger than those in the true solution, a colloidal solution will contain only a minute fraction of number of particles present in a true same solution. For example, कि एक साइज एक चीज़ है जिसका साइज बड़ा है और एक का छोटा है, तो अगर हम सेम वॉल्यूम ले रहे हैं लेकिन ट्रू सोल्यूशन में कैपेसिटी ज़्यादा है उस चीज़ को फिल करने, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक 2 10 ml की फ्लास्क ली, ठीक है, और चलो बीकर कर लो 10 ml के 2 बीकर लिए हैं, एक में हम रूई ऐड कर रहे हैं और एक में हम ऐड कर रहे हैं कोई भी ग्रेन कर लो, ठीक है. तो क्योंकि रूई बहुत लाइट वेट होती है और उसमें सेम चीज़ है लेकिन हम रूई ज़्यादा भर सकते हैं, ग्रेन कम भर सकते हैं, ठीक है. तो यही उसने यही बात की कि जो क्लाइडल सोल्यूशन है उसका साइज ज़्यादा होता है ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से, तो एक सेम स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है
क्लैडल पार्टिकल्स जो है वो कम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्लैडल सॉल्यूशन, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक और दूसरे लायोफोबिक। जो लायोफिलिक होते हैं इन्हें हम इमल्जेंस भी कहते हैं और ये प्रोटीन लविंग होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विद डिस्पर्शन मीडियम, लिटिल और नो चार्ज ऑन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जनरली सोलवेटेड, विस्कोसिटी हायर देन डिस्पर्शन मीडियम, प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रिवर्सिबल, डू नॉट एग्जिस्ट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में आपको अगर नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। पार्टिकल माइग्रेट टू एनोड और कैथोड और नॉट एट ऑल। ये लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, ये प्रोटीन हेटिंग होते हैं और इनको हम सस्पेंसॉरिड्स कहते हैं। नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विद मीडियम, पार्टिकल कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नो सॉल्वेशन ऑफ पार्टिकल, विस्कोसिटी ऑलमोस्ट द सेम एज अ मीडियम, प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इररिवर्सिबल है, एग्जिबिट करते हैं टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल माइग्रेट टू आइदर एनोड और कैथोड, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है तो वो किसी ना किसी की तरफ जाएंगे, और लायोफिलिक बीइंग न्यूट्रल इन चार्ज वो कहीं भी माइग्रेट नहीं करते। सबसे पहले अगर हम बात करें लायोफिलिक कोलाइड्स की तो ये मोर स्टेबल होते हैं देन लायोफोबिक। एज इन द केस विद लायोफोबिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड पार्टिकल हैव अ चार्ज बट इन एडिशन दे आर सराउंडेड बाय अ वेरी टाइटली बाउंड लेयर ऑफ सॉल्वेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज और लायोफिलिक पे चार्ज उनके गिर्द अराउंड एक लेयर होती है सॉल्वेंट की, तो वो क्या करते हैं कम प्रेसिपिटेट हो, ठीक है। अगर हम उनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो लेस प्रेसिपिटेट होंगे। लेकिन लायोफोबिक है, उनके गेट जो है वो कोई सॉल्वेंट की लेयर नहीं होती तो वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये उन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ क्लोइडल पार्टिकल। हम सेपरेट करते हैं क्लोइडल पार्टिकल को डिफरेंट मेथड से। अगर हम किसी भी क्लोइडल सॉल्यूशन को अलाउ करें कुछ टाइम के लिए कि वो वैसे ही पड़ा रहे विदाउट बीइंग अनडिस्टर्ब, द पार्टिकल इज सेटल्ड डाउन, दिस इज कॉल्ड द एजिंग ऑफ क्लोइडल सॉल्यूशन। लेकिन इस कुछ टाइम लगता है एंड प्रेसिपिटेट मे नॉट बी कम्प्लीट, तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं कि उन्हें सेपरेट कर लें। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ क्लाइडल सोल्यूशन, द पार्टिकल बींग चार्ज विद ट्रेवल टू द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन विद द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें ये होता है कि हम इसमें एक इम्प्योरिटीज़ होती हैं या कोई भी कोगुलेंट ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो वो कोगुलेंट या इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, वो उन पार्टिकल्स को सॉल्वेंट को ट्रैप कर लेती हैं और उन्हें बॉटम पे सेटल डाउन कर लेती हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे भी हम सेपरेट कर सकते हैं उनको, और फिर हम बाद में इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर लेते हैं अपने सॉल्वेंट से जिसको हमें चाहिए होता है सॉल्यूशन में से। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। If the separation of colloidal particle by subjecting them to a force of several thousand or even hundred of thousand of gravity in a special apparatus called centrifuge, on subjecting to ultra centrifugation, the lighter particle comes to the surface while heavier particle sinks to the bottom. जितनी ज़्यादा speed होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा particles जो हैं वो जल्दी settle down करेंगे bottom पे, और जो हमारे पास लाइटर पार्टिकल जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल है वो डाउन चले जाएंगे, तो इसकी बेस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। वन टाइप ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेज हैज ऑप्टिकल डिवाइसेस व्हिच विद द रेट ऑफ सेटलिंग और फ्लोटिंग ऑफ वेरियस कोलाइड पार्टिकल कैन बी फॉलोड एंड फोटोग्राफ्ड। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब मशीनरी और से और एडवांस होती जा रही है, तो बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि स्पेंडर स्पीड के ऊपर जो है वो सेंट्रीफ्यूग किया जाता है और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, हैवियर नीचे चले जाते हैं। द रेट ऑफ फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल गिवन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज और द मॉलिक्यूलर वेट एंड इवन द केमिकल नेचर ऑफ क्लोइडल पार्टिकल।
For expressing the flotation coefficient and sedimentation coefficient, the term used are Swedberg flotation unit and Swedberg sedimentation unit. Next is ultrafiltration. It is a process of filtration under pressure. Most light particles, being very small in size, will pass through the ordinary filter paper. Therefore, special filter made of unglazed porcelain are used separate from the solution. इसने ये बताया गया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स तो इजीली फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं और वो नहीं इजीली कलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशली डिजाइन प्रोसलेन के फिल्टर पेपर बनाए गए हैं जिसमें से 1 नैनोमीटर का डायमीटर जो है उनका होता है, तो जो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं वो नहीं पास कर पाते, तो फिर उनके ऊपर स्पेशल प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि वो उस फिल्टर पेपर में से पास कर जाए. In the living body, ultrafiltration is responsible for the formation of tissue fluid. Ultrafiltration of the plasma is also the first step in formation of urine by kidney as it gives rise to glomerulus filtrate. आपने अगर kidney की filtration पढ़ी हो तो जो हमारी body में interstitial fluid है वो pass करता है glomerular filtrate के तौर पर और membrane में से pass करता है. Next one is dialysis. डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी जब किडनीज जो है अनएबल होती हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने को. इफ वी प्लेस अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अ कोलाइड इन अ बैग मेड ऑफ सम काइंड ऑफ मेम्ब्रेन लाइक कोलाइड ड्यून और सेलोफोन एंड इमर्स दिस बैग इन वाटर. NaCl विल मूव आउट ऑफ द मेम्ब्रेन बट द प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी हेल्ड बैक विद इन द ब्लैक. क्यू क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है और सोडियम क्लोराइड छोटा होता है. सोडियम क्लोराइड जो है वो उस बैग में से, क्योंकि हमने इसको एक मेम्ब्रेन की तरह बनाया है, तो वो उसमें से पास कर जाएगा. द फैक्टर विच मोस्टली डिटरमाइन दिस प्रोसेस इज द साइज ऑफ द पोर इन द मेशवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन. सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि सोडियम, हम अगर यूरिन रिपोर्ट देखते हैं ना तो उसमें कुछ अमाउंट होती है सोडियम की, क्लोराइड की, तो हम कहते हैं कि हमारे ये नॉर्मल अमाउंट है. अगर हमारे यूरिन में इतना सोडियम या क्लोराइड आ रहा है या पोटाशियम आ रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है. लेकिन अगर हमारी यूरिन रिपोर्ट में कि आपकी यूरिन में जो है प्रोटीन आ रही है, ग्लूकोज आ रहा है, तो इट्स अब नॉर्मल. क्योंकि नॉर्मली जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो फिल्ट्रेट आता है किडनी में से, नेफ्रॉन में से, वो इतना स्मॉल कैपिलरीज होती हैं कि उसमें से प्रोटीन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते. अगर वो पास करें तो इट मींस कि जो मेम्ब्रेन है वो इफेक्टेड है, डिफेक्टेड, ठीक है. तो इसी तरह उन्होंने वो बैग भी बनाया कि उसमें से सोडियम क्लोराइड तो पास कर रहा है लेकिन प्रोटीन पास नहीं कर रही, क्योंकि वो मच बिगर देन सोडियम और क्लोराइड है, तो वो बैग में ही रहता है. If we change the water outside the dialyzing bag at frequent interval, we can almost completely get rid of sodium chloride and only the protein particles will be left behind. Last traces of electrolyte may be removed by electrodialysis, in which an electric current is passed to the solution in a suitably designed apparatus. Dialysis is the basis of artificial kidney, which is used to remove waste product from the body that accumulate in case of renal failure. This type of dialysis is an example of extracorporeal dialysis, जिसको हम ह्यूमर डायलिसिस भी कहते हैं. इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है जिसमें हम पेरिटोनियल कैविटी को एज अ यूज करते हैं पेशेंट की. पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को हम एज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन यूज करते हैं जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पास कर रहा होता है. द लास्ट प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग द पार्टिकल्स इज एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन इज अ फिनोमेना जिसमें लेयर ऑफ आयन मॉलिक्यूल और एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक मीडियम से कंडेंस अपॉन हो जाते हैं, उसकी सर्विस से जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है. वो अब्जॉर्ब नहीं होते, वो अड्सॉर्ब होते हैं. अड्सॉर्ब मीन अटैच हो जाते हैं. डिफरेंट तरह के अड्सॉर्बेंट्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्ले करते हैं, जिसमें से एक एक्टिवेटेड चारकोल है, सिलिका जेल है, काओलिन है, एलुमिनिया क्रीम है, फुलर्स अर्थ है. ये कॉमनली यूज अड्सॉर्बेंट है. ये इसका फिनोमिना एज सच क्लियर नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. इसका जो मैकेनिज्म है वो अभी तक अनक्लियर है, लेकिन क्या होता है कि एडसॉर्बेंट एंटर इनटू अ लूज कॉम्बिनेशन विद द मटेरियल अब्सॉर्ब बाय मींस ऑफ लेटेंट वैलेंसीज ऑफ एटम इन द सरफेस लेयर, बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस. जैसे कि मैंने आपको पाया कि अभी इसका मैकेनिज्म अनक्लियर है. इन एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस लिक्विड सॉलिड एंड चारकोल. When electrolyte are absorbed by charged particle in a colloidal solution, it is the ion with the opposite charge which is absorbed.
the absorbing property of an adsorbent is much increased by dividing into small size particles. क्योंकि सरफेस साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा स्पेस होगी कि जो सॉल्वेंट है वो आके उस एडसॉर्बेंट मटीरियल के साथ अटैच हो जाए. एक्टिवेटेड चारकोल इज वन ऑफ द बेस्ट एडसॉर्बेंट बिकॉज 1 gram ऑफ इट हैज फाउंड टू हैव अ सरफेस अराउंड 120 square meters. Surrounding to other workers, the surface area of 1 gram of active charcoal is 3,000 square meters. It is this very large surface area which enable 1 gram of activated charcoal to bind up to 380 ml of sulfuric acid. ये बहुत important phenomenon है. इसकी different application है जो हम अपनी daily routine में भी use कर रहे होते हैं. Adsorbent जैसे कि charcoal है, इसको हम use करते हैं decolorizing many solution. इसके अलावा अब्नोशियस गैसेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं. एक्सेसिव गैस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हो जाए उसको भी रिमूव करता है कि पॉइजनिंग ना कॉज कर सके. काउलिन को हम यूज़ करते हैं डायरिया में और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को एड्जॉर्ब करके बॉडी से रिमूव करता है. इसके अलावा हम प्रोटीन की प्योरीफिकेशन में भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज द सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस. A colloidal solution when it exists in solution form liquid is called SOL, salt. And many lipophilic colloids can be changed into a semi-solid form which is called gel. Gelatin आप use करते हैं अक्सर binding करने के लिए, ठीक है, thickening देने के लिए jellies में, jams में, तो वो gel वो ही है. The process of forming a gel is called gelation. Common example of gels are fruit jellies, gelatin, dessert and custard. Gelatin is a protein whose solution is in the salt form when dilute, but when higher concentration are allowed to stand for some time, a gel result. By warming, this gel can be converted again to solution. मतलब जो gel है वो solution में back convert हो सकती है. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. लॉन्ग चेन ऑफ क्लाइडल मॉलिक्यूल इंटरलेस टू फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क विच इनक्लोजेज द इंटायर डिस्पर्शन मीडियम. इफ द जेल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इट श्रिंक एंड द डिस्पर्शन मीडियम स्लोली ऊज आउट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनर्सिस एंड इज एनालोगस टू द रिट्रैक्शन ऑफ द क्लॉट ऑफ फिब्रिन विच इज कंप्लीट बाय द ओजिंग आउट ऑफ द सीरम. इस तरह ही होता है कि अगर आप ने देखा होगा कि अगर आप सोक करके रखते हैं जेलेटिन को फॉर टाइम इन अ वाटर तो समटाइम्स जो है वो बाहर आ जाता है एक ग्रीसी सी एक क्या आप कह सकते हैं उसको एक लेसदार जो है वो आना शुरू हो जाती है तो वो ऊज आउट कर जाता है सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज फिक्सोट्रोपी. स्ट्रक्चर ऑफ अ जेल में भी ब्रोकन बाई शेकिंग और स्ट्राइकिंग स्टरिंग एंड ऑन स्टैंडिंग अ जेल में भी फॉर्म अगेन. द फिनोमिना ऑफ रिवर्सिबल फॉर्म सोल्यूशन टू जेल एंड जेल टू सोल्यूशन फॉर्म इज टर्म्ड टिक्सोट्रोपी. एन एग्जाम्पल 50% सोल्यूशन ऑफ जिंक ऑक्साइड इन अ पैराफ्रिन इज लिक्विड वेन शेकन इट चेंजेस टू जेल फॉर्म वेरी रैपिडली ऑन स्टैंडिंग. जब तक हम उसे शेक करते रहेंगे जिंक ऑक्साइड को एक सोल्यूशन में तो वो सोल्यूशन रहेगा एस वेल सोल रहेगा लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे वो जेल फॉर्म कर देगा. इट इज थॉट दैट थिक्सोट्रोपी अकर इन क्लाइडल सिस्टम हैविंग नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज इंडिविशन. इट इज अ प्रोसेस बाय विच ड्राई प्रोटीन्स टेकन अप वाटर एंड रिटेन इट. जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि अक्सर फॉर एग्जाम्पल जो हम ब्लैक ग्राम होते हैं जिसे हम चने कहते हैं हम रात को सोक करके रखते हैं जब सुबह उठते हैं वो फूले हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं वो इंडिबिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने अंदर वाटर रिटेन कर लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं. द वाटर कैन बी स्क्वीज आउट ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड प्रेशर. सी टेक अप वाटर विद ग्रेट ईज एज देयर प्रोटीन आर इन अ डिहाइड्रेटेड स्टेट. इंडिबिशन इज ग्रेटली इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम आयन. और अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी मदर्स जो हैं वो उसके अंदर मीठा सोडा ऐड करती हैं. वो मीठा सोडा इसलिए ऐड करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है क्योंकि उसमें सोडियम पोटाशियम कैल्शियम इस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हेल्प करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो प्रोटीन्स रिटेन कर सकें. नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट. इफ वी सी अ क्लाइडल सोल्यूशन कॉन्स्टेंटली थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द पार्टिकल आर सीन टू बी इन अ ज़िगज़ैग मोशन. दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट.
and it is due to unequal and random bombardment of the particle of dispersed phase by the molecule of the solvent. The Brownian movement is more if the particle is of small size and solvent is less viscous. A rise in temperature also increase Brownian movement. Next is Tyndall effect. In the ultramicroscope, an intense beam of light is passed transversely through the colloidal solution, which is then viewed at right angle to the path of incident light. The colloidal particle appear as bright spot against a dark background. The path of beam of light passing through a colloidal solution become plainly visible as milky turbidity. This phenomenon is known as Tyndall effect. जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में कि एक लाइट पास की जा रही है सॉल्यूशन में से और जो है फिर उसको उसके बाद देखा जाता है उस लाइट के थ्रू देखा जाता है तो बैकग्राउंड पे जितना सॉल्वेंट होता है वो टॉर्च के तौर पे नज़र आ रहा होता है. द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट मेक विजिबल द पार्टिकल देमसेल्फ. द पार्टिकल अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड देन बिकम सेल्फ ल्यूमिनस एज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज गिवन ऑफ. In some cases, the scattering of light by the particle may be so great that the particle becomes visible even with the naked eye. Since it is not the particle but the light scattered by them which is seen in the ultramicroscope, no idea of the size, shape or color of the particle may be formed. It should be noted that the Tyndall effect is shown only by extremely low concentration of colloidal particles. क्योंकि हम ultramicroscope से जो light जा रही है उसके through देख रहे होते हैं तो हम उसका size, color कुछ भी determine नहीं कर पाते. बस हम देख रहे होते हैं कि सॉल्यूशन में जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट इज म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स. इफ सफिशिएंट नेगेटिवली चार्ज कोलाइड इज एडेड टू अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड देयर इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिक्रीज टू अ क्रिटिकल वैल्यू एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. एट द ब्लड पीएच ऑफ 7.4 द प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. For this reason, it is not safe to administer intravenously any positively charged colloid. क्योंकि वो उन्हें precipitate कर देगा. Next is protective colloids. When a gelatin solution is added to a gold soil, the particle of lipophilic gelatin are absorbed by the particles of the lyophobic gold, and gold particles become much more resistant to precipitation. इसने वो ये कह रहा है कि जब हम एक जेलेटिन सॉल्यूशन ऐड करते हैं गोल्ड सोल में गोल्ड जो पार्टिकल हैं लायोफिलिक जेलेटिन के वो अब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं लायोफोबिक गोल्ड से. जो गोल्ड पार्टिकल हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे. द कम्बिनेशन ऑफ लायोफिलिक पार्टिकल विद दोज ऑफ लायोफोबिक वन कॉज द रिजल्टिंग पार्टिकल टू हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ अ लायोफिलिक कोलाइड. और लायोफिलिक लाइट की ही प्रॉपर्टी है कि वो प्रेसिपिटेट नहीं होते. तो वो कह रहा है कि जब हम एक लायोफोबिक को और लायोफिलिक को कंबाइन करते हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं प्रेसिपिटेशन से. जेलेटिन गम एशिया आर यूज एक्सटेंसिवली एज प्रोटेक्टिव कोलाइड फॉर लायोफोबिक कोलाइड्स. प्रोटेक्टिव कोलाइड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोलॉजी. इट इज प्रोबेबल दैट सम ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज हेल्ड इन कोलाइडल सस्पेंशन बाय द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. द प्रोटीन ऑफ मिल्क सर्व एज प्रोटेक्टिव कोलाइड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एग्रीगेट सस्पेंडेड इन मिल्क. द बाइल साल्ट एंड बाइल प्रोटीन एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड टू कीप द रिलेटिवली इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ बिलिरुबिन इन कोलाइडल सस्पेंशन. Stone may be formed in the gallbladder from the precipitation of such substance if sufficient protective colloids are not present. The protective colloids in the urine are in the same way thought to prevent some formation in the urinary tract. वो कह रहे हैं कि अगर ये precipitate हो जाएंगे तो ये जो हैं वो cause करेंगे different conditions. तो उसको avoid करने के लिए protective colloids add किए जाते हैं जो कि उनको suspension form में ही रखते हैं.